आखिरकार मालती चौहान ने इस दुनिया को अलविदा कह ही दिया। इतना परेशान किया गया, इतना उसे टॉर्चर किया गया अपने ही पति अपने ही घर वालों के कारण कि मालती चौहान ने अंतिम निर्णय यही लिया कि अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब ये मौत है, हत्या है या फिर आत्महत्या है, आने वाले समय में हमें ज़रूर पता चलेगा। तो सोशल मीडिया पर सावधान रहें, सतर्क। तो ये है मालती के पिता। देखिए मालती के पिता क्या कह रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं कि विष्णु राज ने ही उसको मारा है या फिर जो भी है। तो सुनिए क्या बोल रहे हैं मालती के पिता। मार देंगे, मैं जनता से यही गुहार करूंगा, आज मेरी एक बेटी को मारे हैं, इस तरह से लोग हजारों बेटियों को मार देंगे, सबको मार देंगे ये लोग, इस तरह से जो आगे निकलने वाली है। बेटियों का क्या है, जो हाथ पैर दो हमारे हैं वो उनको है। आज हर जगह बेटियां काम कर रही हैं, हर जगह का बोलते वो छाई हुई हैं। आज उनका पद भी क्या, इस तरह उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, एक बाप के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपको सूचना कब मिली कि इस तरीके से क्या करना? हमें विष्णु फोन करके खुद बताया है कि क्या बोलते वो मालती फांसी लगा के मर गई है। नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रितिमा राज स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आखिरकार मालती चौहान ने अपने जीवन को पूर्ण विराम दे ही दिया। किस तरह से एक औरत को परेशान किया जाता है अपने ही पति के द्वारा, अपने ही जीवन साथी के द्वारा, उसकी रिकॉर्डिंग लगाई जाती है, उसके सोशल डिफेमिंग की जाती है, उसकी जो भी पर्सनल बातें थी वो सोशल मीडिया पर उसके पति के द्वारा रखी जाती है, कोर्ट में जाते हैं, सुलह समझौता होता है, सुलह समझौता होने के बाद मंदिर में उसके जो अर्जुन है उसके साथ विष्णु राज ने मालती की शादी करवाई, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए, फिर अचानक से दोनों विष्णु और मालती के बीच समझौता होता है, मालती वापस आती है और वापस आने के बाद मालती अपने आप को मौत की आगोश में ले लेती है। आखिर क्या हुआ था मालती के साथ, क्यों हुआ था मालती के साथ, क्या हुआ नहीं हुआ, ये एक राज और रहस्य बनकर रह गया हम लोगों के बीच। लेकिन युवराज का क्या होगा ये एक बार भी किसी ने नहीं सोचा, ना मालती ने ना ही विष्णु राज ने। क्या एक पति हत्यारा है, क्या एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है, या मालती ने खुद ही अपने आप को फांसी लगा ली, अपने जीवन को समाप्त कर दिया, या फिर इसके पीछे है कोई बहुत बड़ी रहस्य या कोई बहुत बड़ा राज। आखिर क्या है इन सब मामलों के पीछे जो हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरह से मालती के पिता ने बताया कि विष्णु राज ही मालती का कातिल है, विष्णु राज ने ही मालती को मारा है। हम लोगों ने अभी सुबह सुबह एक वीडियो देखा, मतलब कुछ देर पहले वीडियो देखा, जिसमें मालती ये कह रही है कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अपनी बहन के यहाँ थी, सोशल मीडिया कर्मियों के कारण मैं जो अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, अभी मैं ससुराल जा रही हूँ अपने पति के पास, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वो इच्छा अपने वीडियो में उसने बताई कि वहाँ जाने के बाद जो भी होगा मैं वो सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ आने के बाद अचानक से मालती अपने आप को ख़त्म कर डालती है, अपने जीवन को ख़त्म कर डालती है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि क्या सचमुच मालती ने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर ये शक के दायरे में आता है विष्णु राज कि अगर मालती ने फांसी लगाई उस वक्त विष्णु कहाँ था। अगर विष्णु की मर्जी से मालती जो उसके घर वापस आई और मालती को समझाने बुझाने उससे बातें करने के बजाय विष्णु राज उस वक्त कहाँ था जब मालती ने फांसी लगाई, आखिर क्या कारण है, क्या रहस्य है, इन सब रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक मर्द जो है वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है, सहन शक्ति होती है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, पुरुष जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन महिलाएँ जो है वो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होने के कारण, इतनी बदनामी हो जाने के कारण जब महिलाओं को कोई रास्ता नहीं सूझता तो मालती की तरह वो अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, अपनी जीवन की नैया को जो है वो समाप्त कर देती हैं। लेकिन दो लोगों के, दो पति पत्नी के झगड़े के बीच एक मासूम युवराज जो पिस गया, अब उस बच्चे का क्या होगा, क्या दोनों ने कभी भी ये सोचा कि अगर हम अपने जीवन को समाप्त करते हैं तो हमारे बच्चे का क्या होगा, न विष्णु ने न मालती चौहान ने। क्यों मालती ने ऐसा किया ये एक राज्य है हम लोगों के बीच जो है वो एक रहस्य बनकर ही रह गया। जिस तरह से एक तरफ मालती की बहन कह रही है कि विष्णु राज ही कातिल है, विष्णु ने ही मालती को मारा है, समझ में नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या था। मालती एक तरफ कहती है कि आप लोग जो हैं, हम लोगों से ये कहती है कि मेरा दो चैनल है, आप लोग हमारे वीडियो को देखें क्योंकि आगे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वीडियो लाऊंगी क्योंकि मेरे जीवन में कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। और अचानक से फिर मालती अपने आप को समाप्त कर लेती है, फांसी लगा देती है। तो भाई एक तरफ वो ये कह रही है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने आप को खड़ा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और अचानक से
इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना को अंजाम देती है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं या कोई राज तो नहीं, जिस पर पर्दा उठाना अभी भी बहुत ज़रूरी है। अगर विष्णु ने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है विष्णु, तुमने ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये राधिका, राधिका जिसका नाम बार बार सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है, ये राधिका आखिरकार है कौन जो हम लोगों के बीच अभी भी नहीं आई है? ना कोई सोशल मीडिया पर कोई भी मीडिया कर्मी जो है उसका इंटरव्यू लिया हो, या फिर राधिका किसी भी के भी वीडियो में आकर बोली हो। जिस तरह से राधिका का नाम सोशल मीडिया पर विष्णु राज के साथ जोड़ा जा रहा है, आखिरकार ये राधिका है कौन? उसे भी सामने लाना चाहिए, उसे भी सामने आना चाहिए। और मालती के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ, क्योंकि वो अपने एक मासूम बच्चे को इस दुनिया में छोड़कर अकेला गई है। आखिरकार उस बच्चे का क्या, उस बच्चे के भविष्य का क्या, उस बच्चे का लालन पालन अब कौन करेगा? क्या विष्णुराज ये सब कर पाएगा अकेले? अगर विष्णुराज दोषी है तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आखिर एक पत्नी तुम्हारे घर वापस आती है, और उस वक्त क्या कोई नहीं था जब मालती चौहान ने अपने आप को फांसी लगा लिया? अपने आप शुरू से ही इन लोग दोनों का, पति पत्नी का, दोनों का झगड़ा जो है हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मालती ने अपने आप को ख़त्म कर दिया? एक तरफ तो मालती हम लोगों से अभी तुरंत ही बातें कर रही थी, वीडियो के माध्यम से ये कह रही थी कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरा दो चैनल है, आप लोग देखिएगा। और अचानक से मालती अपने आप को मौत के घाट उतार देती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ एक महिला कह रही है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में पैसों का अहमियत है और मुझे जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, और जिसके कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ चैनल ही था, यूट्यूब चैनल, मालती का जो यूट्यूब चैनल वही था। फिर अचानक से मालती जो है ये कहती है कि मैं अपने पति के साथ किसी भी स्थिति में रहने को तैयार हूँ, चाहे वो मारे पीटे, क्योंकि लड़ाई झगड़े जो उसके थे वो बहुत पहले से दोनों के हम लोगों के सामने थे, वीडियो के माध्यम से वो लोग रखते थे। ये सब कहने के बाद मालती अपने आप को मौत के घाट उतार लेती है, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और जो भी इस घटना को अंजाम दिया हो नहीं दिया हो, सब चीज़ों को सामने आना बहुत ज़रूरी है। और मालती ने जो किया वो बहुत ही दुखद घटना है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बस मुझे उसके बच्चे के लिए, युवराज के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मालती के साथ जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। और जो भी हुआ है, अगर वो रहस्य है, राज है, तो उस पर से भी पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कातिल है उसको सज़ा मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज वो छूट गया, आज वो उसे बख्श दिया गया, तो आने वाले दिन में पता नहीं क्या होगा। और राधिका का नाम जोड़ा जा रहा था विष्णु राज के साथ, तो आखिरकार राधिका है कौन जो अब तक हम लोगों के सामने नहीं आई है? किस तरह से हम लोगों ने देखा कि मालती जो है गोरखपुरिया के घर जाती है, उनसे हेल्प मदद मांगती है, फिर कोर्ट जाती है, कोर्ट में दोनों का समझौता होता है, मालती और विष्णु राज का समझौता होता है, फिर दोनों वापस घर आते हैं, फिर घर आने के बाद जो है, घर नहीं, मंदिर जाते हैं, और मंदिर में अर्जुन और मालती की शादी करा दी जाती है। हम लोगों को सारा कुछ लग रहा था कि भाई ये कहीं शूटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, शूटिंग तो नहीं हो रहा है, जिस तरह से सिंदूर का रंग पीला दिखाया गया, और जिस तरह से मंदिर में मालती हरकतें कर रही थी, हंस रही थी, बार बार शपथ लिया जा रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था हम लोगों को देख कर। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है, रहस्य है। और मालती ने जो रहस्य छोड़कर गया, जो राज छोड़कर गई, उसे उस पर से पर्दा हटाना चाहिए कि आखिरकार मंदिर वाली बात जो थी वो क्या थी? क्या सचमुच में अर्जुन के साथ उसकी शादी की गई थी? क्यों की गई थी? किस लिए की गई थी? क्या ये शूटिंग था या फिर कुछ और था? राज था, क्या था? हम लोगों के बीच ये जो है ना, कहते हैं एक रहस्य एक राज बनकर ही रह गया। और मालती ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके पीछे जो भी लोग शामिल हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक मर्द हर कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन महिलाओं के लिए सब चीज़ झेलना, सामाजिक, घरेलू, हर चीज़ झेलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, जो एक पुरुष प्रधान जो हमारा देश है, पुरुष जो है, पुरुष समाज जो है, वो इस सब चीज़ों को नहीं समझ सकता है। तभी महिलाएं जो हैं इस तरह की हरकतों को अंजाम देती हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देती हैं, अपने आप को मौत के घाट उतार लेती हैं, क्योंकि वो नहीं झेल पाती हैं। और मालती भी इन सब चीज़ों को नहीं झेल पाई, शायद इस कारण उसने अपने आप को अपने आप को ख़त्म कर दिया, आत्महत्या कर ली, या फिर उसकी मौत एक हत्या है, आत्महत्या या हत्या। मैं शुरू से ही कह रही थी कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से किसी की भी रिकॉर्डिंग कोई भी वायरल कर देता है, पता नहीं क्या बात है, नहीं है, रिकॉर्डिंग वायरल कर देना, चैट वगैरह वायरल कर देना, अगर हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो वायरल कर देना, ये सब कानूनी जुर्म है। ये लोग समझते बूझते कुछ भी नहीं हो, और किसी से किसी की बात हुई बस रिकॉर्डिंग लगा दो, किसी की चैट, अगर किसी से कोई मैसेज के थ्रू बात हुआ है तो वो चैट लगा दो, लेकिन सामने वाले बंदे पर इसका क्या असर होगा ये कोई भी नहीं सोचता, बस अपनी मनमर्जी करना है। और जिसके मनमर्जी के कारण ये सब आज हुआ है, जो मालती के साथ हुआ है, उसे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया कि मालती ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। हाँ, हालांकि मालती को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मालती की मानसिक स्थिति क्या थी,
किस कारण मालती ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये एक राज बनकर ही हम लोगों के बीच रह गया। और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और मुझे कानून पर विश्वास है और मैं जानती हूँ कि कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन सच जो है वो हम लोगों के सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि कानून का जो हाथ होता है ना वो बहुत ही लंबा होता है और उसकी पकड़ इतनी कड़ी होती है ना कि अच्छे से अच्छा बंदा जो है इन सब चीज़ों से बच नहीं सकता है। तो कानून पर भरोसा रखें, और जो भी लोग सोशल मीडिया पर कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो एक बार सोच लें कि आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मालती ने तो अपनी जीवन को समाप्त कर दिया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, अर्जुन के साथ जो भी उसने बात किया था ये सब नहीं होना चाहिए था, इन्हीं सब चीज़ों के कारण आज ये सब हो रहा है। और पारिवारिक झगड़े हैं, अगर आपके पति पत्नी के बीच के जो भी झगड़े हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग परिवार में बैठकर अपने बड़े माता पिता सास ससुर जो भी आपके बड़े हैं उनके बीच बैठकर सुलह समझौता करें, ना कि उसे सोशल करें। आखिरकार मालती जो है इन सब चीज़ों से परेशान हो गई और अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब मालती ने अपने आप को ख़त्म किया या फिर ये आत्महत्या है या फिर हत्या है, ये एक राज है, एक रहस्य है। हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मालती को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या हम लोग उसकी मानसिक स्थिति को समझते हैं? कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही जानता है। जिस तरह से मालती को समाज में बदनाम किया गया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, जो भी था उसे अपने घर में सुलझाना चाहिए, अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था। और जब मालती ने किसी लड़की का नाम लिया था, मैं भूल रही हूँ अभी, उसका नाम राधिका, वो अभी तक सामने नहीं आई है। आखिर राधिका थी कौन? जिस तरह से मालती के पिता बोल रहे हैं कि राधिका राधिका उसकी प्रेमिका थी, विष्णुराज की प्रेमिका थी, तो आखिर वो राधिका है कौन जो अभी तक छुपी हुई है? क्या कारण है जो अभी तक वो चुप है, अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ रही है? जो भी मामला था हम लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वीडियो के माध्यम से ही उन लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग वीडियो देखते थे, हम लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती तो हम लोग समझाते बुझाते थे, बस यही काम था हम लोगों का कि भाई अगर तुम अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखोगे तो जिन लोगों को तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगेगी वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत समझाया गया इन लोगों को, बहुत लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की गई कि तुम अपने जो झगड़े हैं यहाँ पर मत रखो। बार 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 ये लोग नाटक नौटंकी गाली गलौज मारपीट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोशल कर दी थी, जिसकी आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो हम लोग आज देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दुख युवराज के लिए हो रहा है। दो लोगों के झगड़ों में एक बच्चा पिस गया, उसके जीवन का क्या जब वो बड़ा होगा? कहते हैं ना कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, जब माँ ही नहीं। हर समस्या का समाधान हत्या या आत्महत्या नहीं हो सकती है। दो लोग आपस में बैठकर भी आपसी जो झगड़े हैं हमारे उसको सुलझा सकते हैं। किसी से छुटकारा पाना हो तो उसे मार देना या फिर अपने आप को ख़त्म कर देना, ये बहुत बड़ी कायरता है। अगर मालती ने ऐसा किया है तो उसने कायरता दिखलाई है। उसे इन सब चीज़ों से जूझना चाहिए, अपने आप को प्रूफ करना चाहिए कि वो गलत नहीं है, लेकिन डर कर हार कर अपने आप को समाप्त कर देना ये कायरता है। मैं दोनों चीज़ें कह रही हूँ इसलिए क्योंकि एक महिला के लिए ये सब झेलना बहुत मुश्किल होता है, और इन्हीं सब कारणों से मालती ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। और दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि अगर मालती तुमने ऐसा किया, हालांकि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मैं यही चाहूँगी, तुमने जितनी अपनी लाइफ में तकलीफें झेली, मार पीट गाली गलौज तुमने हर चीज़ झेला लाइफ में, जीवन में अपने, भगवान तुमको शांति दे, तुम्हारी आत्मा को शांति दे, लेकिन तुम्हें भी एक बार सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम उस बच्चे को लेकर जीवन भर जी सकती थी, अपने बच्चे के साथ खड़े रह सकती थी, अपने बच्चे की खुशियों में खुश रह सकती थी। ज़रूरी नहीं है जीने के लिए कि एक पति ही हमारे साथ हो, एक पुरुष ही हमारे साथ हो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने बच्चे का मुख देखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी से छुटकारा पाना है तो उसे मार देना या फिर अपने आप को ख़त्म कर देना, ये कायरता है। और जो भी लोग ऐसा करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, जो भी पुरुष हों या फिर महिला हो, अपने आप को आप ख़त्म कर देते हो तो आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में एक बार सोचो, समझो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो कि आप तो चले जाओगे, आपके बच्चे का क्या होगा, आपके घर परिवार। बहुत सारे लोग थे जो मालती के सपोर्ट में थे, मालती की बातों को समझते थे, वो सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में होते मालती, अगर आज तुम जिंदा होती, उन लोगों के बीच होती, सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में आते, लेकिन तुमने जो किया उससे मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी। हालाँकि भगवान जो है तुम्हारी आत्मा को शांति दे, बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो और हमारी बातें तुम नहीं सुन सकती, लेकिन तुम्हें जो है अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। विष्णुराज का क्या है? विष्णुराज तो पहले भी वही चाह रहा था तुमसे छुटकारा, और उसे छुटकारा तुमने दे दिया। विष्णुराज को तो छुटकारा मिल ही गया, चाहे ऐसे चाहे वैसे, लेकिन विष्णु तुमने अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, एक बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया,
अगर तुमने ये साजिश की है ना तो बहुत घटिया मर्द हो तुम। मर्द के नाम पर तुम कलंक हो। अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए ही था तो तुम सीधे मुंह बोल देते। बहुत सारे रास्ते हैं अलग होने के। इस तरह से किसी को मार देना या फिर अपने आप को ख़त्म कर लेना, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, दोनों ने बहुत गलत किया, बहुत ही ज़्यादा। और तुम लोग आए दिन सोशल मीडिया पर हो हंगामा, लड़ाई झगड़ा, यही सब था तुम लोगों के लाइफ में सिर्फ बचा हुआ, जिसका अंजाम ये आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मालती ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म कर दिया या ख़त्म करवाया गया, ये एक राज है।